इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस ऐप पर अगर आपको इस तरीके से दिक्कत आती है EC2002 सॉरी कनेक्शन टाइम इट आउट प्लीज ट्राई अगेन। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। देखिए जैसे कि यहां पर हमारी एक्सिस एप्लीकेशन ये रही, इसको हम ओपन करेंगे लेकिन इसका नेट यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने चेंज किया, उसके बाद हम इसे लॉगिन करते हैं और ये लॉगिन होती है, मतलब इसी तरीके से ये आपको दिखाती रहती है। अब यहाँ पर इशू क्या होगा ये मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, ध्यान से आप इसे देखते रहिएगा। ठीक है, पहले हम इसे जो है एक दफ़े यहाँ पर इसका कनेक्शन बदल देते हैं। ठीक है, इस वाले कनेक्शन पर लगा देते हैं इसको, तो वी आर अनेबल टू प्रोसेस दिखा दिया इसने। अब यहाँ पर इसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर ले जाते हैं, अब ये चला जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बायोमेट्रिक को यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका कनेक्शन दूसरा लगा लेते हैं। ठीक है, और पासवर्ड ऐसे ही एंड बंड हम कुछ भी यू नोट लग गया। ठीक है, बट यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ पर कनेक्शन लगाए रखते हैं, या तो कनेक्शन लगाते नहीं हैं इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, या फिर इंटरनेट हमारा इससे मतलब इस वाले सिम से लग रहा है, इस पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन लग गया लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ी देर बाद ये जो है हमें इसी तरीके से दिखा देगा जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अगर अब हमारा जो नेट चल रहा है वो हमारा इससे चल रहा है जो मैंने लगा रखा, इससे हम प्रोसेस इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मैं जैसे इससे यहाँ पर आपके सामने बटन दबाता हूँ, मतलब ऑप्शन डालता हूँ पिन कोड वगैरह, तो थोड़ी देर बाद ये आपको यही वाला एरर दिखा देगी जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में। ठीक है, तो आपको हमेशा इंटरनेट उस पर लगाना है जो जिसका प्रॉपर चलता हुआ हो और अच्छा इंटरनेट चलता हुआ, वरना आपको थोड़ी देर बाद इसी तरीके से इशू दिखा देगी। और उसके बाद आप यहाँ पर इसे होल्ड प्रेस भी करिएगा, ऐप इन्फो पर भी जाइएगा, और यहाँ से अगर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लग रहा हो तो सब पर टिक करके लगा रहना है जिस तरीके से इसमें लग रही है। ओके, तब से पहले आपको यही करना है, फिर यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर में भी आपको यहाँ पर यही प्रोसेस करना होगा जो भी हमने किया है। ठीक है, यहाँ पर पहले नेट चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ से चल रहा था, यहाँ पर हमें एक्सिस को अपडेट करके रख लेना है। ठीक है, एक्सिस मोबाइल को अपडेट करके रख लेना है, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक्सिस, ठीक है, एक्सिस बैंक, और यहाँ पर अगर अपडेट दिखाई देता है तो सिंपली अपडेट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।